मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में एक नए फाइलम की शुरुआत की थी जिसका नाम था आपका प्लेटीहेलमिंथीज। प्लेटीहेलमिंथीज में हमने फ्लैट वॉर्म की बात की थी कि किस प्रकार से उसमें आने वाले आपके वॉर्म्स का क्या स्ट्रक्चर होता है या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से प्लेटीहेलमिंथीज में आने वाले ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से कंडक्ट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में जानेंगे आपके ऑर्गेनिज्म टेप वर्म के बारे में। टेप वर्म, या हम इसे फीताक्रमी भी कह सकते हैं, इसमें किस प्रकार से अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं और आपके एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस ये करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ये मोस्टली आपका सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसा हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि आपके टेपवर्म या प्लेटीहेलमिंथीज में आने वाले ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट की मीनिंग के भी बारे में हमने जाना था कि हर्माफ्रोडाइट की मीनिंग का मतलब होता है कि आपके एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक में होते हैं। तो क्या होता है कि जब सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो कह सकते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू, या एक ऑर्गेनिज्म या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अगर बात करें आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमने जैसे पिछली में भी बात की थी क्लास में कि आपके फ्रेगमेंटेशन की विधि से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कंडक्ट करते हैं। तो जानते हैं कि आपका जो मुख्यतः सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किस प्रकार से करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें आपका पोक टेपवर्म, यानी टेपवर्म भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पर हम पोक टेपवर्म की बात कर रहे हैं जिसका साइंटिफिक नाम आपके टीनिया सोलियम भी होता है। तो सबसे पहले ये आपके सिचुएटेड कहाँ पर होता है, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में आपके पाया जाता है। तो कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसे इंटेस्टाइन से अटैच करके रखती हैं, तो कह सकते हैं कि इसमें हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं जो इसे ह्यूमन इंटेस्टाइन से अटैच करके रखता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर हम इसका फुल डायग्राम देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें अपर साइड में हुक्स पाए जाते हैं जो टू रोज में होते हैं। हुक्स क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन से ये क्या करते हैं, अपने हुक्स को जाकर इंटेस्टाइन में उसको वहाँ से अब्जॉर्ब करते रहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, हुक्स के द्वारा अपने आप को अटैच कर लेते हैं। देन सकर्स पाए जाते हैं। सकर्स और हुक्स क्या करते हैं, बेसिकली इसे ह्यूमन इंटेस्टाइन से अटैच होने के लिए हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक का पोर्शन है। नेक का पोर्शन क्या काम करता है, बेसिकली कि जो नए आपके प्रोग्लॉटिड्स हैं उनका निर्माण करते रहना, और जो आपके प्रोग्लॉटिड्स बन गए हैं उनको क्या करते रहना, पीछे की ओर पुश करते रहना जिससे वो साइज़ में बड़े होते रहें और अपनी जो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को भी करते रहें। तो जितने भी आपके प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये सभी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी सब प्रोग्लॉटिड्स में क्या है, हर एक प्रोग्लॉटिड्स में टेस्टिस भी होंगे, ओवरी भी होंगी कह सकते हैं, जेनाइटल पोर भी मिलते हैं। या अगर हम बात करें कि ओवरी में ओवम का भी निर्माण हो रहा है, टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का भी निर्माण होता है, तो ये सेल्फ ही क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। प्रोग्लॉटिड आपकी थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, यानी ऊपर अगर हम देखें कि आपके जो फीताक्रमी होती हैं या टीनिया सोलियम की जो हम बात कर रहे हैं, इनके जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं इसमें थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जिससे क्या है, जो भी आपके इनर ऑर्गेनिल्स हैं वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बॉडी फॉर्म देखें इसका, तो बॉडी फॉर्म जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि ये है क्या, फीताक्रमी है, तो फीताक्रमी क्या है, चपटे होते हैं, जैसे प्लेटीहेलमिंथीज की बात की थी तो बॉडी फॉर्म भी इनका फ्लैट होता है। और इनमें कह सकते हैं कि 1000 सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स को हम यहाँ प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज, यानी जो भी इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो आपके नेक के द्वारा न्यू आपके प्रोग्लॉटिड्स बनते रहते हैं और उनको पीछे की ओर आते रहते हैं और उनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ करता जाता है। तो कह सकते हैं लार्जेस्ट प्रोग्लॉटिड्स आपके 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 1.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर लंबे और 1.5 चौड़े होते हैं, इतना साइज़ होता है आपके प्रोग्लॉटिड्स का। और हर एक प्रोग्लॉटिड्स में आपके 50,000 एग बनते हैं, यानी यही एग क्या होते हैं कि हर एक प्रोग्लॉटिड्स में, क्योंकि हर एक प्रोग्लॉटिड्स में क्या है, आपके टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, तो वहाँ पर सिर्फ
फर्टिलाइजेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके थ्रू एग्स का निर्माण होता रहता है। नेक्स्ट, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप प्रोग्लॉटिड्स का देखेंगे तो इस तरह से होता है, यानी एक प्रोग्लॉटिड्स में आपके ओवरी भी होती है जहाँ पर ओवम बनता है, यूट्रस भी है यहाँ पर, देन टेस्टिस भी है, जेनाइटल पोर भी होता है, नर्व्स भी हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हर एक प्रोग्लॉटिड्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की है कि हर्माफ्रोडाइट है, इसलिए ओवरी, टेस्टिस, यूट्रस, जेनाइटल पोर, ये सारी चीज़ें आपको हर एक प्रोग्लॉटिड में दिखाई देंगी। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर बात करें कि आपका एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में सिचुएट करता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में अपने हुक्स या सकर्स के द्वारा अपने आप को वहीं पर अटैच रखता है, इसलिए इसे इंडोपैरासाइट कहते हैं। और ये क्या करता है, क्योंकि पैरासाइट है इसलिए किसी न किसी प्रकार की बीमारी कॉज करता है, ह्यूमन्स में भी क्या है आपकी बीमारी को कॉज करता है ये। तो हम कह सकते हैं कि टेपवर्म की जो सेक्सुअल साइकिल है वो एक होस्ट में ही कंप्लीट नहीं होती है, कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है ये दो होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है, देन कह सकते हैं इंटरमीडिएट और आपका सेकेंडरी होस्ट इसका पिग हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एडल्ट फॉर्म में ये आपके ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि एडल्ट फॉर्म में ही क्या है, इसमें डेवलप्ड होते हैं आपके हुक्स और सकर्स, जिनकी सहायता से ये इंटेस्टाइन में जाकर अपने आप को अटैच कर लेता है। देन कह सकते हैं एग फॉर्म में, ये सबसे पहले एग फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्लॉटिड्स क्या करते हैं, 50,000 एग जनरेट करते रहते हैं, तो ये ह्यूमन के फीसेस के साथ एग्स बाहर आते हैं। पिग फिर इन्हें क्या है, फीसेस को अगर वो ईट करता है तो अब ये एग कहाँ पहुँच गए, आपके पिग्स की मसल में पहुँच गए, फिर ये क्या है हैच करता है वहाँ पर एग, देन उसके बाद फिर से ये अगर फिर से क्या किया, ह्यूमन ने अनकुक्ड मीट खाया तो अब क्या है फिर से ये कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके ह्यूमंस में पहुँच जाएंगे। और ह्यूमंस में फिर क्या है कि पहले ये मसल्स में जाकर पहुँचते हैं ह्यूमंस की, वहाँ पर एडल्ट फॉर्म में आते हैं, और एडल्ट फॉर्म में आते ही क्या कहाँ पहुँच जाता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, और फिर वहाँ पर अपने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता रहता है, यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाता रहता है और बीमारी को भी कॉज करता है। तो फिर हम देख लेते हैं, अगर इसकी लाइफ साइकिल देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो सबसे पहले अगर अनकुक्ड आप किसी भी ह्यूमन ने क्या है पोक मीट खाया, तो अब क्या होगा कि ये ह्यूमंस के ब्लैडर्स में पहले पहुंचेगा, ब्लैडर के द्वारा डाइजेस्ट किया जाएगा, देन स्कॉलेक्स रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने आप को एक अडल्ट के फॉर्म में कर लेंगे, देन प्रोग्लॉटिड रिलीज एग इन फीसेस, अब क्या करेगा प्रोग्लॉटिड एग्स रिलीज करते जाएंगे, अब सिक्स हुक्ड एम्ब्रियो इनसाइड सेल, यानी अब क्या है हर एक आपके एग में सिक्स हुक एम्ब्रियो होता है, सेल होगा, अब क्या होगा सेल आपका डाइजेस्टेड हो जाएगा, यानी आउटर जो भी सेल है वो डाइजेस्टेड हो जाएगा, उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा आपके इंटरमीडिएट होस्ट में, यानी जैसे ह्यूमन क्या है उसका प्राइमरी होस्ट है, फिर से जब ह्यूमन में जाकर ये इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा, इंटेस्टाइन के बाद अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, उसके द्वारा क्या है प्रोग्लॉटिड्स के द्वारा एग्स रिलीज होंगे, एग्स रिलीज कहाँ आ जाएंगे आपके बाहर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, फिर अब एनवायरनमेंट में आकर वो क्या होगा अब फिर से पिग अगर उस फीसेस को ईट करेगा तो अब जो एग होगा या जिसे हम कह रहे हैं सिक्स्ड हुक्ड एम्ब्रियो इनसाइड सेल, तो अब क्या होगा उसका आउटर सेल डाइजेस्ट हो जाएगा पिग के अंदर और सिक्स्ड हुक्ड एम्ब्रियो पासेस थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल, तो अब वो पास इंटेस्टाइनल वॉल को पास करता हुआ ट्रांसपोर्ट इन ब्लड टू मसल, यानी अब वो कहाँ पहुँच जाएगा ब्लड की मसल्स में पहुँच जाएगा, ब्लैडर वॉर्म इन पोक मीट, यानी अब वो क्या है आपके ब्लैडर में पहुँच कर ब्लैडर वॉर्म में पहुँच जाएगा आपके वो, और उसके बाद फिर से जब अगर ह्यूमन अनडाइजेस्टेड पोक मीट खाएगा तो फिर से ये आपके हैच्ड एग कहाँ पहुँच जाएगा ह्यूमंस में, देन ह्यूमंस में फिर ये एडल्ट फॉर्म में आएगा, देन फिर प्रोग्लॉटिड्स बनेंगे। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है प्राइमरी टू इंटरमीडिएट होस्ट। यहाँ पर हम और उससे देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे बात की कि किस प्रकार से आपके पिग में ऑन्कोस्फेयर हैच करता है इंटेस्टाइन में उसकी, और पेनिट्रेट्स करके वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा सर्कुलेट टू आपके
मस्कुलर यानी मसल्स तक वो पहुंच जाता है। देन उसके बाद जब किसी ह्यूमन ने आपके पोक मीट को खाते हैं या उसे आपके अनकुक्ड होता या प्रॉपर कुक्ड नहीं होता, तो यही ऑंकोस्फेयर आपके डेवलप होते हैं सिस्टी सरकाई इन मसल, यानी अब ये क्या है ऑंकोस्फेयर से सिस्टी सरकाई आपके हैच होके एग पहुंच जाता है। देन यही आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है ह्यूमंस के और वहाँ पर अपने आप को अडल्ट फॉर्म में डेवलप करता है, यानी हुक्स और सकर्स डेवलप होते हैं। देन फिर से प्रोग्लॉटिड एग्स का निर्माण करते हैं। देन फिर एग कहाँ पर आ जाता है एनवायरनमेंट में, और फिर से अगर उसे कोई भी आपके पिग ईट करता है तो फिर से वो साइकिल आपकी कंटिन्यू होती रहती है। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा प्लेटीहेलमिंथीज में आने वाले आपका जो टेप वर्म है वो लाइफ साइकिल में दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमंस होता है और अगर हम सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो वो आपका पिग हो सकता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ की इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यानी जो इसे हेल्प करती हैं, सबसे पहले हुक्स होते हैं, हुक्स और सकर्स। यानी हुक्स और सकर्स क्या काम करते हैं कि इसे किस प्रकार से इंटेस्टाइन में अटैच रखने का काम करते हैं। देन इसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है। तो फ्लैट बॉडी क्या है, ज़्यादा सरफेस लेती है और ज़्यादा ज़्यादा फूड को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। देन इसे कोई भी नीड नहीं होती है आपके माउथ और गट की, क्योंकि ये क्या करता है जो भी ह्यूमंस में आपके डाइजेस्टेड फूड होते हैं न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकता है। देन कह सकते हैं कि ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या है जो भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं ह्यूमंस में उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे पता है कि हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं डाइजेस्टिव जूस होते हैं, कुछ कैसे होते हैं अल्कलाइन होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, लेकिन आपका टीनिया सोलियम क्या करता है कि केमिकल रिलीज करता है जिससे उन केमिकल्स का उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। बाकी क्या है जो भी एसिडिक या अल्कलाइन आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको ये न्यूट्रलाइज भी कर देता है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में एग जनरेट करता है। जैसे हमें पता है कि एक प्रोग्लॉटिड 50,000 एग जनरेट करता है, तो कह सकते हैं कि अपनी एग्जिस्टेंस को भी बनाए रखता है इसके द्वारा। फिर कह सकते हैं इट हैज़ अ वेक्टर टू कैरी इट फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, यानी अब क्या है कि इसमें वेक्टर्स भी होते हैं कि किस प्रकार से ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस तक भी पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका टेप वर्म या टीनिया सोलियम किस प्रकार से लाइफ साइकिल पूरी करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट, या उसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है वो हमने जाना। या एसेक्सुअली बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के मेथड के थ्रू भी वो क्या कर सकता है आपका एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मोस्टली आपका टीनिया सोलियम सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है और डिजीज़ कॉज करता है। थैंक यू क्लास।